हालांकि जयपुर ग्रामीण में 1990 से मैं अपना मतदान कर रहा था। ये रिश्ता जो 2014 में शुरू हुआ, इस रिश्ते ने मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत आशीर्वाद दिया। ये भगवान की कृपा है कि मेरे इस छोटे से जीवन में उन्होंने मुझे सेना के अंदर आतंकियों से युद्ध करने का एक अवसर दिया। भारत में तिरंगे का मान सम्मान ऊपर करने का अवसर दिया और फिर आपके साथ मिलकर भारत के नागरिकों का सेवा करने का भी अवसर दिया। मेरे लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि पूरे देश के अंदर जयपुर ग्रामीण जैसा लोकसभा क्षेत्र मुझे मिला और आप जैसे साथी मुझे मिले। जीवन के अंदर, जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई कीमती वस्तु होती है तो वो आपके साथी होते हैं। इस जीवन के अंदर सबको कुछ समय मिला होता है इस धरती पर चलने का, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन कम या ज्यादा से उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति की याद और उस व्यक्ति का औदा नहीं बनता, लेकिन जिस समय वो चला हो इस धरती पर, उस समय उसने इस धरती के लिए अपने साथियों के लिए क्या करा, उससे उसका औदा बनता है। और आपके साथ, मेरे सैनिकों के साथ और मेरे साथी खिलाड़ियों के साथ जो मैंने जीवन का समय काटा, ये मेरे लिए सबसे कीमती समय है अपने जीवन का। बचपन से मेरी आदत मानो या कोई बीमारी मानो, लक्ष्य के लिए ही जीता हूं। मानो कि लक्ष्यहीन हो जाऊं तो मेरा जीवन वहीं समाप्त हो जाए। कठिन परिश्रम करना पड़ता है अगर लक्ष्य होता है। मैं कई बार अपनी पत्नी से बात करता हूं कि लक्ष्य मैं इतने ऊंचे क्यों रख लेता हूं, आसान से लक्ष्य क्यों नहीं रखता। जीवन में जितना कुछ आशीर्वाद में मिला है उसको आराम से जियो, लेकिन यह भी कहीं ना कहीं भगवान ने दिया होगा कि तुझे इस जीवन के अंदर यह काम करना ही है, भले ही उसके लिए तपस्या और त्याग करना हो। तुझे कठिन लक्ष्य दूंगा मैं और तुझे ऐसे साथी भी दूंगा जो तुझे लक्ष्य पूरा करने के लिए तुझे ताकत दे। उसके लिए मैं आज आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, ये मैं ऐसे ही नहीं कहता कि किसी राजनीतिक मंच पर आ गया हूं तो कह रहा हूं, अपने मन से कहता हूं। सिर्फ 5 साल हुए हैं मुझे राजनीति में और 5 साल के अंदर आप जानते हैं कि जो मेरे बारे में चर्चा होती है, आपको भी गर्व की अनुभूति होती होगी कि गलत ज्यादा नहीं बोला जाता, ज्यादा अच्छा ही बोला जाता है। सिर्फ 5 साल हुए, मैं जीवन अपना लक्ष्य के लिए लगाना चाहता हूं, अपना जीवन समर्पण करना चाहता हूं इस देश की प्रगति के लिए, और आप सबका साथ मुझे मिला हुआ है। मुझे यकीन है, विश्वास है कि सबका जीवन यूं ही निकल जाता है, लेकिन आप सबके साथ हमारा सबका जीवन एक लक्ष्य पूरा करने में निकलेगा और लोग हमें इस बात के लिए याद भी करेंगे और धन्यवाद भी करेंगे। मैं परमानेंट इस मंच पे, इस राजनीतिक मंच पे परमानेंट नहीं आया। जिस दिन मुझे लगेगा कि यहां राजनीति ज्यादा हो रही है और सेवा कम हो रही है, उसी क्षण मैं इस मंच को छोड़ दूंगा परमानेंट। और इसीलिए आज आह्वान कर रहा हूं मैं आप सबसे कि आज तो हमें ऐसे साथी और ऐसे लीडर मिले हैं जो इस देश को कई दशकों से नहीं मिले थे, और ये देश ऐसे लोगों की राह में बैठा था। मैं उदाहरण देता हूं आपको,
पिछले कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी एंटी सैटेलाइट मिसाइल की घोषणा करी थी उस दिन कैबिनेट की बैठक थी। उससे एक रात पहले मैं यहीं था क्षेत्र में और तकरीबन उसी समय राजस्थान सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे थे। राजस्थान सरकार के 100 दिन तो पूरे हुए, उसके अंदर नतीजा शून्य है, शून्य। कुछ उन्होंने पूरा नहीं करा। और दूसरी तरफ एक इस तरह के नेता, इस तरह के लीडर है भारत के, जिन्होंने कैबिनेट बैठक में कहा कि मेरे पास समय कम है, रख दीजिए उसको, मेरे पास समय कम है, चुनाव चलता रहेगा, सभी मंत्री तैयारी करें कि आते ही 100 दिन में हम कौन से लक्ष्य पूरे करेंगे। वो लक्ष्य तब ढूंढने निकलेंगे तो समय निकल जाएगा, अभी से ढूंढिए कि सरकार, मोदी सरकार जब वापस बनेगी तो पहले 100 दिन के अंदर हम क्या क्या लक्ष्य पूरे करेंगे। इस तरह का विश्वास और भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी जी में। भविष्य की बात करते हैं, वो जो करा वो तो पूरे देश ने देख लिया और ऐसा करा जो अपने आप में इतिहास हो, ऐसा करा केंद्र से कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब कभी चौपाल में बैठता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारा प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है, एक साधारण पुरुष है जो वहां तक पहुंच के असाधारण काम कर रहा है, हम गौरवान्वित हो जाते हैं। वो भविष्य की बात कर रहे हैं, इस भारत को कहां से कहां लेकर जाएंगे इसका लक्ष्य निर्धारित हो रहा है। और निस्संदेह रूप से आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है कि घर घर के अंदर, गांव गांव में और बच्चे बच्चे के मन में मोदी जी हैं। और अगर सरकार बनेगी तो मोदी जी की सरकार दोबारा बनेगी, उसके अंदर हमारी भागीदारी हो, उस जीत के अंदर हमारा हाथ हो, हम सब मिलकर इसे पूरा करें। यह मौका जीवन में बार बार नहीं आता। हमने कितनी बार किताबों में पढ़ा, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, शिवाजी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, भगत सिंह के बारे में, उनके पास भी जीवन में यह अवसर आया था कि कई पीढ़ियां उनके बारे में पढ़ती रहें, उनके शौर्य के बारे में पढ़ती रहें। इस देश की कई पीढ़ियों ने बलिदान दिया है तब ये देश जाके मजबूत बना है। आज ये शुभ अवसर हमारे पास आया है इस 2019 के चुनाव के रूप में कि हम सब मिलकर कौन सी गाथा लिखें जो अगले 100 साल भी बच्चे जब पढ़ें तो याद करें इस पीढ़ी को कि 2019 की भारत के सभी निवासियों ने किस तरह से एक निर्णायक मतदान करा। और ऐसे साथियों के साथ, ऐसे गुरुओं के साथ किसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर इस तरह के नाम हो जहां राजाओं के राजा राजेंद्र हो, सती के ईश सतीश हो, राज का पालन करने वाले राजपाल हो, और अपने मतदाताओं के साथ जो निर्मल तरीके से व्यवहार करें, जहां महेंद्र दो हो और जगदीश खुद हो, वहां पे किस बात की दिक्कत है मुझे बताइए। राम का लाल भी यहां मौजूद है, इस लोकसभा क्षेत्र से बेहतर क्षेत्र कोई हो ही नहीं सकता पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कर्नल साहब, कर्नल साहब, सिर्फ 25 या 26 दिन, सिर्फ मात्र 25 या 26 दिन, इस 25-26 दिन में अगर हम सब कुछ भूलकर एक सैनिक बनकर, और याद रखें कि अगर सैनिक किसी दिन कुछ मांग रखने लगे अपना कर्म करने से पहले, जिस दिन सैनिक ये कहने लगे कि मेरा अधिकार मुझे पहले दो, उस दिन दुश्मन घर में आकर बैठ जाएगा। लेकिन सैनिक ऐसा नहीं करता। भाजपा के कार्यकर्ता, आपको मैं सलाम करता हूं क्योंकि आप अपना समय, अपना साधन लगातार 5 साल से लगाते आए हैं, मैं देखता आया हूं और कई वर्षों से लगा रहे हैं।
आपका जो स्वाभिमान है, आपके अंदर जो शौर्य है और ताकत है, जिस दिन आप उसको पहचान लेंगे और इस 25-26 दिन लगा देंगे, कोई माई का लाल हमारे सामने रुक नहीं सकता, कोई पार्टी हमारे सामने टिक नहीं सकती। और खास तौर से जब प्रधानमंत्री मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हो तो हमारी जीत निश्चित हो सकती है। मुझे लगा था आप सब बोलेंगे निश्चित होगी। मोर्चे को संभालना मोर्चे को संभालने के लिए आप तैयार हो जाइए। इन पूरे 25-26 दिन मैं लगातार पूरे क्षेत्र में रहूंगा। मैंने रुकना नहीं सीखा, मैंने बैठना नहीं सीखा, और आप सबके साथ में मिलकर एक एक व्यक्ति को हम छुएंगे और भारतीय जनता पार्टी के हक में इस बार पूर्ण रूप से मतदान कराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरी ताकत से वापस केंद्र में भेजेंगे, क्योंकि जब जब मोदी जी को आपने ताकत दी है तब तब इस देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। पिछले 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, आपने इतिहास रचा, मोदी जी ने भी इतिहास रच के दिखाया। इस बार फिर मोदी सरकार बनेगी और भविष्य निर्माण होगा, भारत का नव निर्माण होगा, और भारत के नव निर्माण में हम सब भागीदार होंगे। ये मेरा आपसे आह्वान है, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आपके प्यार का, स्नेह का और आशीर्वाद का पिछले 5 साल जो आपने दिया उसका मैं धन्यवाद देता हूं आपको, और आपको ये यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि जो ताकत मेरे पास आएगी वो ताकत हम सब में बराबर बराबर बटेगी और जयपुर ग्रामीण मजबूत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल साहब जिंदाबाद, कर्नल साहब जिंदाबाद, कर्नल साहब। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के प्रत्याशी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर आज कोटपुतली में चुनावी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। कोटपुतली की जनता से उन्होंने बातचीत करते हुए, उन्हें संबोधित करते हुए सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां इन 5 सालों में रही और आगे अगर एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर क्या कुछ काम करवाए जाएंगे, इन तमाम बातों का जिक्र एक बार फिर से उन्होंने आज कोटपुतली में इस जनसभा के मंच से किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, युवाओं के ऊपर बेहद प्रभाव राज्यवर्धन सिंह राठौर का देखा जाता है और आज कोटपुतली में चुनावी प्रचार के दौरान वो इससे पहले युवाओं के बीच भी पहुंचे, एक्सरसाइज उनके साथ करते हुए नजर आए थे और अब जनसभा में वो मौजूद हैं।